छात्रों, आज हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग से जुड़े चैप्टर के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करें। फेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग विच डील्स विद प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रूट्स, स्ट्रीट्स, एडजॉइनिंग लैंड्स एंड विद ट्रैफिक ऑपरेशन देयर ऑन फॉर सेफ कन्वीनियंट इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन गुड्स इज नोन एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। दिस इज ट्रैफिक। Present routes are to serve all types of traffic from pedestrian and animal driven traffic to automobile traffic including military vehicles are thus liable to traffic congestion. So to avoid traffic congestion and to provide efficient, free and rapid flow of traffic, the studies of traffic characteristics and traffic operations have become essential. Now these aspects of planning and geometric design of road and traffic studies have become so important that they constitute a separate branch of civil engineering. This is known as traffic engineering. The person who deals with it is known as traffic engineer. Objects of traffic engineering: to provide efficient flow, to provide free flow, rapid flow, and safety. Scope: क्या है स्कोप ट्रैफिक इंजीनियरिंग का? ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, ट्रैफिक ऑपरेशंस की स्टडी, ट्रैफिक प्लानिंग, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रैफिक वॉल्यूम इट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑन द रोड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट इज कैरिड आउट फॉर क्या क्या रीजंस है जिसके कारण हमें ट्रैफिक वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डिजाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, ट्रैफिक ट्रेंड एंड पैटर्न, geometrical and structural design of new road, design of footpath, crosswalk, pedestrian signals, plan of one-way traffic, other regulatory measures on the road. Causes and precautions of road accidents. सबसे पहला तो आता है इसमें destructive driving। ये major एक reason है road accidents का। हमें सड़क पर जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से चलाना चाहिए। नो फोन कॉल्स, नो टेक्स्टिंग, नो ईटिंग, नो रीडिंग, नो ग्रूमिंग और एप्लीकेशन ऑफ मेकअप एंड टॉकिंग व्हाइल बिहाइंड द व्हील। इन सब चीजों से बचें तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ड्रंक ड्राइव, किसी तरह का नशा करके ड्राइविंग जब करते हैं तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक केयर, इट इज not worth to take risk। इसके बाद आता है स्पीडिंग। बहुत तेज गाड़ी चलाना ये प्रमुख कारण है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं आती, तो जो हमारी लीगल लिमिट्स है उसमें रहना चाहिए। रैकलेस ड्राइव, रैकलेस का मतलब नियम कानून तोड़ के, जैसे चेंजिंग लेन्स टू क्विकली, स्पीडिंग ओवर लिमिट एंड एक्टिंग एग्रेसिव ऑन द रोड, ये हॉरिबल एक्सीडेंट्स का रीजन हो जाता है। यदि हम ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल इन चीजों से बचकर हमें ड्राइव करना चाहिए। रेन, बरसाती मौसम में जब हम ड्राइव करते हैं तो स्लिप होने के चांसेस, या रोड यदि खराब है तो गिरने के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। यदि स्थिति बहुत विकट है तो कुछ कंडीशन में बैठे हम ड्राइव ही नहीं करें, और यदि ड्राइव करें तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ ड्राइव। रनिंग रेड लाइट्स, रेड लाइट को ब्रेक करके आगे बढ़ जाना, ये कानूनन भी गलत है और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दीज इश्यूज। नाइट ड्राइविंग, रात को क्योंकि लैक ऑफ विजिबिलिटी, हमारी जो देखने की क्षमता है दिन की बजाय काफी कम हो जाती है, इसलिए रात को हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। डिजाइन डिफेक्ट्स, कई बार होता है कि सम एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय फ्लॉज इन द कार इटसेल्फ। व्हाइल यू कैन नॉट ऑलवेज अवॉइड दिस, मेक श्योर टू टेक नोट ऑफ एनी रिकॉल्स इन द न्यूज एंड टेक केयर ऑफ योर कार इन रेगुलर मेंटेनेंस। हमारी गाड़ी के रेगुलर मेंटेनेंस हो, कई बार गाड़ी में खराबी के कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। टेलगेटिंग, there is never an excuse to get too close to the car in front of you, no matter how frustrating slow they seem to be going।
जो सामने हमारा कार या व्हीकल चल रहा है उससे हमें एक डिस्टेंस बना के चलना चाहिए ताकि हम हमारी गाड़ी को कंट्रोल में रख सकें। रॉन्ग वे ड्राइविंग, इम प्रॉपर टर्न्स, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, बी अवेयर ऑफ स्ट्रीट साइंस। हमें जो रोड पर जो सिग्नल्स हैं, जो साइंस हैं, उनकी पूरी पालना करनी चाहिए जिससे हम गलत तरीके से टर्न नहीं करें, रॉन्ग वे ड्राइविंग से बचें, क्योंकि एक्सीडेंट का एक प्रमुख कारण यह भी है। टीनेज ड्राइविंग, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको हमें सिखाना चाहिए कि ड्राइविंग के रूल्स क्या हैं और ड्राइविंग करते समय किन किन चीजों का, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ड्रग्स, एल्कोहल कॉज टेरिबल एक्सीडेंट्स, नेवर ड्राइव यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग प्रेस्क्राइब्ड और नॉट, ये कानून भी गलत है। पॉटहोल्स, पॉटहोल्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ड्राइवर्स बिकॉज समटाइम दे कांट बी अवॉइडेड। ट्राई टू ड्राइव अराउंड पॉटहोल्स टू अवॉइड डैमेजिंग योर कार्स। पॉटहोल से बच के चलें तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारे व्हीकल के डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉटहोल से बचने के चक्कर में हम दूसरी लेन में अननेसेसरी एंटर हो जाते हैं, तो भी गलत है। टायर ब्लोआउट्स, यदि पंचर हो जाए गाड़ी या टायर फट जाए तो उस समय एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट में रहनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। एनिमल क्रॉसिंग्स, टेक एक्स्ट्रा कॉशन व्हेन यू सी एन एनिमल क्रॉसिंग साइन एंड ऑलवेज यूज द हाई बीम्स व्हेन ट्रेवलिंग इन रूरल वुडी एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड। यहाँ पर जिन स्थानों पर जानवर क्रॉस करते हैं जहाँ पर साइन बोर्ड लगा रखे होते हैं कि यहाँ पर जानवर क्रॉस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मॉर्निंग पीरियड में, तो हमें सेफ ड्राइव करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स, समटाइम्स द वे अ कंस्ट्रक्शन जोन इज सेटअप कैन बी कंफ्यूजिंग, फॉलो द कोन्स एज वेल एज पॉसिबल एंड बी अवेयर ऑफ अदर ड्राइवर्स हु मे बी कंफ्यूज। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पे बकायदा मार्किंग होती है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे हमें ड्राइव को सहूलियत से और तरीके से करना चाहिए। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्राइव स्लोली इन दिस एरियाज टू अवॉइड इवन द स्मॉलेस्ट एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट्स फाउंड। नाउ व्हाट इज ऑन स्ट्रीट पार्किंग, व्हेन व्हीकल्स आर पार्क ऑन द स्ट्रीट, इंपॉर्टेंट है, ऑन द स्ट्रीट अलोंग विद द साइड वॉक और एनीवेयर ऑन द स्ट्रीट इट इज कॉल्ड ऑन स्ट्रीट पार्किंग। जहां पर स्ट्रीट है उसी में गाड़ी कहीं पर भी आप पार्क कर सकते हैं। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग यानी स्ट्रीट पर नहीं, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग मीन्स पार्किंग योर व्हीकल एनी वेयर बट स्ट्रीट पर आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। दीज आर यूजली पार्किंग, देयर आर पार्किंग फैसिलिटीज लाइक गैरेज एंड लॉट्स। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग कैन बी बोथ हिंडरिंग एंड